नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। खालसा साजना दिवस वैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर सर्वधर्म रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी में किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने अपना रक्तदान कर एकता का परिचय दिया। गुरुद्वारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग उपस्थित थे और सभी ने रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया। लोगों में जागरूकता का परिचय दिया कि हम सब एक हैं। वहीं सिख समाज के लोगों ने भी रक्तदान कर कहा कि ये एक नेक कार्य है, इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं सिख समाज की महिलाओं ने भी अपना रक्तदान किया। शाम होते होते करीब 40 से 50 लोगों ने अपना रक्तदान कर शिविर में भाग लिया। वहीं शिविर में 150 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस शिविर में डॉक्टर नितेश दीवान मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर हरिवंश झा लैब टेक्नीशियन, प्रभात मेहरा नर्सेज भी, खुशी गौर, हर्षिता मेहरा का सहयोग मिला। इस शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स के ग्रुप संचालक आशीष अरोड़ा के सहयोग से किया गया। वहीं ग्रुप के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ऋषभ वर्मा, हैप्पी जुनेजा, नीरज मेहरा, उत्तम चौरे, मोहम्मद शेर खान, अबुल नसीम, अयुब खान अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मैं हरिवंश झा, टेक्नीशियन, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल ब्लड बैंक से यहाँ वैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सी सभा में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में आया हूँ, जिसमें लगभग यहाँ 150 की समथिंग रजिस्ट्रेशन हुई है और यहाँ डोनेशन लगभग 40 से 50 समथिंग हो चुकी है। और ये सारा ब्लड हम अपने ब्लड बैंक में स्टोर करेंगे, तो जो जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एनेमिक पेशेंट है आफ्टर सर्जरी या एक्सीडेंटल केस है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको नीड होती है, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। सर, ये ब्लड एक्सपायर कितने मंथ में होता है? ये समथिंग 35 डेज, और डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं ब्लड बैंक में, किसी में थोड़ा सा कम होता है 28, किसी में 35, किसी में 40 तक ऐसा। तो हमारा जो एंटीकोगुलेंट अभी जो करंट में यूज कर रहे हैं वो SADH, इसमें 35 तक हम रख सकते हैं। आपका नाम और पता बताएं? मैं डॉक्टर नितेश कुमार दीवान, DSPM हॉस्पिटल इटारसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पे नियुक्त हूँ, और मैं आज इटारसी के ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का कारण यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश रक्त दान सेवा ग्रुप एवं ऑल इंडिया मोटिवेटर के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ पर 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 40 से 45 लोगों ने यहाँ रक्तदान किया, और यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल DSPM गवर्नमेंट हॉस्पिटल इटारसी के ब्लड बैंक में रखा जाएगा, और जो जिसको ज़रूरत होगी, जो जिसको मतलब जिसको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट, हीमोफीलिया के पेशेंट, आफ्टर सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसके कारण पेशेंट शॉक वॉक में हो, तो उसके लोगों के लिए हम ब्लड यहाँ से प्रोवाइड करें। R9 भारत, जिला ब्यूरो, नर्मदापुरम, योगेश राजभर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।